हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं गोभी मटर की टेस्टी सब्जी, जो कि आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगी। यदि आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी आप कर देना। करते हैं तो फिर हम रेसिपी को स्टार्ट। सर्दियों के मौसम में मार्केट में जो काफ़ी अच्छी गोभी मिलती है, एकदम बढ़िया, मतलब बिखरी बिखरी नहीं होती है, देख रहे हो कितनी अच्छी ठमोस गोभी है। तो बस गोभी की फटाफट से हम यहाँ कटिंग कर लेते हैं। तो हमें ये जो पीछे का हिस्सा है ना, इसका ऐसे हम निकाल देंगे, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है सब्जी में। गोभी की कटिंग कर ले रहे हैं हम, यहाँ पर पूरी गोभी यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि ये गोभी जो है काफ़ी ज़्यादा है। यदि आप फैमिली के 5 से 6 लोगों के लिए बनाना चाहो सब्जी, तो आप यहाँ पर 1 किलो गोभी के लगभग ले सकते हो, क्योंकि आज जो हम सूखी सब्जी बना रहे हैं इसीलिए। तो बस इसको क्या करना है, हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है, इस तरीके से ये निकाल लेंगे सभी को, क्योंकि इसमें क्या इलड़ वगैरह आती है, तो उन्हें हम देख लेंगे इस तरीके से। तो सब्जी के लिए हमें जो गोभी काटनी है वो ज़्यादा बारीक नहीं काटनी है, बस बीच में से कट लगा देंगे, और इतने बड़ा जो है साइज रखना है हमें हमारी गोभी का। तो सभी को हम यहाँ काट के रख दे रहे हैं। हमारी गोभी यहाँ कट गई है, अब इसको 2-3 बार पानी में हम वॉश करते हुए निकाल लेंगे। हमने गोभी को वॉश कर लिया और पानी में इसे डाल के रख दिया है। गोभी की सब्जी के लिए हमने यहाँ कुछ मटर ले लिए, मटर के जो है हम दाने दाने निकाल लेते हैं, छील लेंगे सभी मटर को। गोभी की सब्जी में मटर यदि खाने में आती है तो टेस्टी लगती है ना काफ़ी, और सर्दियों के मौसम में अब तो बहुत अच्छी मटर आ रही है, एकदम मीठी मीठी भी आती है। निकाल ले रहे हैं सभी मटर को हम यहाँ। हमने गैस ऑन करके कढ़ाई रख दी है, अब इसमें 2-3 छोटी चम्मच के लगभग हम यहाँ मस्टर्ड ऑयल ऐड कर दे रहे हैं, और इसको अच्छे से गर्म हो जाने देना है हमें। हमारा ऑयल जो है गर्म हो गया, तो ऑयल गर्म होने के बाद इसमें हमें जीरा ऐड कर देना है यहाँ पर, और थोड़ी सी जो है हींग ऐड कर देंगे। जीरे को थोड़ा चटक जाने देंगे पहले। हमने यहाँ पर 1 मीडियम साइज की प्याज ली थी उसे काट लिया है, और 2 हरी मिर्ची उन्हें भी बारीक काट लिया है, दोनों को इसी में ऐड कर दे रहे हैं। लाते हुए थोड़ा पका लेना है हमें। तो हमारी प्याज और हरी मिर्च जो है थोड़ी सी यहाँ फ्राई हो गई है, मतलब पक गई है। तो इसमें जो है हम थोड़ा सा जिंजर गार्लिक का यहाँ पेस्ट ऐड कर दे रहे हैं। आप इस जगह फ्रेश भी ले सकते हो लहसुन और अदरक, और इसको थोड़ा सा पका लेंगे। कच्चापन जो है इसका भी हमें निकाल लेना है यहाँ पर। हमारी सभी चीज़ें जो है अच्छे से पक गई हैं, तो अब हमें इसमें क्या करना है, कुछ मसाले ऐड कर देने, जो नॉर्मल मसाले हम डेली यूज में खाते हैं ना वही ऐड कर देंगे। धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी। गैस की फ्लेम स्लो करने के बाद आप इसमें ऐड करना है ये सब मसाले, क्योंकि क्या होगा मसाले जो है जल जाएंगे, और मसालों को जो ऑयल में हम डाल देते हैं तो इससे कलर अच्छा आता है हमारी सब्जी में, वो कच्चापन भी जो है मसाले का निकल जाता है। तो बस फटाफट से अब हमें क्या करना है, इसमें मटर ऐड कर देनी है, और जो हमने गोभी रखी है ना पानी में धोकर, उसे भी इसी में डाल देंगे हम हाथों से निकालते हुए सभी को। आज गोभी की सब्जी में हम आलू नहीं डाल रहे, आज हम जो है गोभी और मटर की सब्जी बना रहे हैं, ये भी खाने में जो है काफ़ी टेस्टी लगती है। यदि आपको आलू डालने हो तो इस टाइम पर आप इसमें आलू भी डाल सकते हो। तो बस इसको थोड़ा चला देंगे। अब जो है इसमें हम यहाँ स्वाद अनुसार नमक भी ऐड कर दे रहे हैं, तो मैं 1/2 चम्मच के लगभग यहाँ नमक ऐड कर दे रही हूँ। तो अब जो है इसको हम यहाँ मिक्स कर दे रहे हैं, और इसमें हमें पानी वगैरह बिल्कुल नहीं डालना है, ये अपने आप गोभी है ना अपने ही पानी में जो है पक जाएगी यहाँ पर, क्योंकि आजकल क्या है ताज़ा गोभी आ रही है, तो बस इसमें जो अपना ही पानी होता है। तो बस इसमें अब जो है इसको हम यहाँ कवर करके रख दे रहे हैं, और इसको 5 मिनट बाद यहाँ ओपन करके देखेंगे। अब बीच बीच में आप एक आध बार देखते भी रहना, ठीक है, जिससे क्या हो जल नहीं जाए। इसे हम ओपन करके यहाँ देख ले रहे हैं, और इसको चला देंगे। हमने गोभी में बिल्कुल पानी नहीं डाला, पर देखो ताज़ा गोभी है तो उसी में कितना पानी हो गया। गोभी की सब्जी हो या किसी और चीज़ की भी सब्जी हो, जब उसे हम अपने ही पानी में पकाते हैं ना उसके रस में, तो वो जो है बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है। तो अभी जो है हमारी गोभी यहाँ हुई नहीं है, तो अभी क्या करेंगे, इसको हम वापस से कवर करके यहाँ रख देंगे, और इसको 3-4 मिनट और पक जाने देंगे, और उसके बाद जो है हम इसे देखेंगे। तो अब जो है हम हमारी सब्जी को वापस से ओपन करके देख ले रहे हैं, और हमारी सब्जी बन गई, क्योंकि गोभी दिख रही है हमें कि सॉफ्ट हो गई है, दबा के देख लेंगे आसानी से जो है दब रही है, इसका मतलब जो है हमारी गोभी मटर की सब्जी है बनकर तैयार हो गई एकदम बढ़िया वाली। हरा धनिया हमने यहाँ काट के रख लिया है, धो के काट के, तो उसे भी जो है इसी में डाल देंगे, वो मिला देते हैं इसको। एकदम बढ़िया सब्जी हमारे यहाँ बनकर तैयार हुई है। जो है गैस की फ्लेम हम यहाँ ऑफ कर देंगे। अब जो है गैस बंद करने के बाद इसमें हम यहाँ सब्जी मसाला ऐड कर देंगे 1/2 चम्मच के लगभग, और जो है आमचूर पाउडर ऐड कर देंगे 1/4 चम्मच के लगभग। इसमें जो है आज हम टमाटर नहीं डालेंगे, इस तरीके से बनाएंगे तो भी सब्जी जो है टेस्टी बनेगी हमारी, क्योंकि हमने इसमें आमचूर पाउडर डाल दिया है।
तो बस चलाते हुए इसको मसाले को अच्छे से मिक्स कर देना है हमें, जिससे कि हमारी सभी सब्जी में गोभी में हो जाएगा ये। तो बस मैं इसे आपको जो है आप सर्व करके बता देती हूँ। तो हमारी फाइनली सब्जी बनकर तैयार हो गई। हर बार गोभी आलू की सब्जी तो हम बना के खाते ही हैं, क्यों ना इस बार गोभी और मटर की सब्जी बना के खाई जाए। इस तरीके से काफ़ी टेस्टी है, पूरी पराठे रोटी आप किसी के साथ भी जो है इसे खा सकते हो, इतना अच्छा टेस्ट है। तो फ्रेंड्स यदि आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके आप मुझे सपोर्ट करें। मिलते हैं फिर आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ। जब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।